दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टाटा आईपीएल 2022 में अपनी पहली हार को बर्दाश्त न कर पाए हार्दिक पांड्या जैसे ही हैदराबाद ने उनकी टीम को शिकस्त दी सिर पकड़कर रोने लगे हैदराबाद के कैप्टन। इसके बाद उनकी बीवी नताशा पांड्या ने उनके साथ जो हरकत की उसे सुनकर आप भी इन दोनों के दिल से इज्जत करने लगेंगे। आखिर मुकाबले के बाद ऐसा क्या हुआ जो हार्दिक और नताशा की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है? तो उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गुजरात की हार में सबसे बड़ी वजह क्या रही? हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी या फिर उनकी खराब बल्लेबाजी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों गुजरात की विजयी रथ पर लगाम लगाते हुए ऑरेंज आर्मी ने आज ये बता दिया कि उन्हें कम समझना आईपीएल की किसी भी टीम की कितनी बड़ी भूल हो सकती है। जी हाँ, आज एक बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबले में हार्दिक की गुजरात को 8 विकेट से करारी शिकस्त झेलने को मिली। जब आज के मुकाबले में गुजरात टाइटन फेवरेट बनकर उतरी तब सबको यही लग रहा था कि पांड्या की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को आसानी से कुचल देगी, पर पिछले मुकाबले में लय हासिल कर चुकी विलियमसन की सेना ने आज गुजरात टाइटंस को हर डिपार्टमेंट में चारों खाने चित करते हुए मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया। आज हैदराबाद के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन का भी तूफानी अंदाज देखने को मिला। जी हाँ, केन विलियमसन की कप्तानी पारी के बाद निकोलस ने हैदराबाद का काम पूरन कर दिया। और दोस्तों इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने आज कप्तानी प्रदर्शन जरूर किया लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। आज उन्होंने अर्धशतक तो जरूर लगाया लेकिन उनकी बल्लेबाजी काफी धीमी चल रही थी और गुजरात की हार में ये भी एक बड़ी वजह रही है। वहीं अपनी टीम की हार को बर्दाश्त न कर पाए हार्दिक पांड्या और मुकाबले के बाद उनका चेहरा देखने लायक था। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही निकोलस पूरन ने एक करारा छक्का लगाते हुए हैदराबाद को जीत दिलाई उस पर हार्दिक पांड्या अपनी भावनाओं को काबू न कर सके और बीच मैदान पर उनकी आंखों में नमी देखी जा सकती थी। जैसे ही वो मुकाबला हार कर भावुक होते हुए डगआउट में गए वहां पर उनकी बीवी नताशा पांड्या ने उन्हें हक करते हुए सांत्वना दी। और दोस्तों हार्दिक और नताशा का ये बेहद ही प्यारा सा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन इस बार फाइनल तक का सफर तय कर पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।